निकाल लिया और हमारा कोई मसला नहीं है। मरने के बाद तो पता चलेगा ही चलेगा, मरने से पहले गुर्दे में दर्द हो जाए, खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, यही माशूम उस पर थूकेंगे भी नहीं, थूकेंगे भी नहीं। पैसा खत्म हो जाए, सारी दोस्तियां खत्म हो जाएगी। करके देखिए, बस अल्लाह को राजी करके देखिए, जिसने लड़कियों में नमक भर दिया वो उसके बाद नमक के कैसे लगाने होंगे। इस दोस्तियों के साथ तो मजी निकलती है, एहतलाम होते हैं, हाथ से जवानी बर्बाद करता है, कपड़े भी नापा, बदन भी नापा, दिल भी गंदा, रूह भी गंदी। और अल्लाह ताला पाक है और उसको पाक रखते हैं अल्लाह ताला। जो जो शक्कर में मिठास पैदा करता है, ऐसे शक्कर पूछता है यहाँ की शक्कर शासन, ऐ भाई चीनी ज्यादा मीठी है या चीनी का पैदा करने वाला ज्यादा मीठा है, ऐ दिल्ली कमर पूछता है यहाँ की कमर शासन, ये चांद ज्यादा खूबसूरत है, ये लड़कियां ज्यादा खूबसूरत है, ये लड़के ज्यादा खूबसूरत है, ये फिल्में ज्यादा खूबसूरत है, ये लड़कियां ज्यादा खूबसूरत है, ये चांद ज्यादा खूबसूरत है, ये चांद का पैदा करने वाला ज्यादा जमा हुआ था। गटर लाइन से निकल कर देखें, अरे गटर लाइन के अंदर खुशबू कहां से काम देगी? कपड़े पर बिल्ली और कुत्ते का खून लगा हुआ हो, ऊंट का इतर 50,000 रुपए तोने वाला भी है, कहां से खुशबू आएगी? पहले ऊंट का इतर की खुशबू चाहिए तो पहले गंदगी को साफ करना पड़ेगा। तो जवान अपनी जवानी को अल्लाह ताला पर फिदा कर दे, अर्श का साया मिलेगा। न डॉक्टरी छोड़ने की जरूरत, न इंजीनियरिंग छोड़ने की जरूरत, न एमबीए छोड़ने की जरूरत, न ओ लेवल छोड़ने की जरूरत, न इंजीनियरिंग छोड़ने की जरूरत, न हंसना मना, न खेलना मना, न अच्छे कपड़े पहनना मना, न घूमना मना। जो जवान अपनी जवानी को अल्लाह ताला पर फिदा कर दे, क्या मतलब? जवानी के हराम तकाजों पर अमल न करे, उसने अल्लाह ताला पर जवानी फिदा कर दी।